फाइनली रिसीव माई पैकेज और सारी एक्सेसरीज आ गई हैं। तो फाइनली सारा एक्सेसरीज आ गया, अब घर जाके करेंगे इसको अनबॉक्स और बनाएंगे कुछ बढ़िया सा ब्लॉग। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अविनाश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है मंडे और फिर से ऑफिस स्टार्ट, तो अभी फिलहाल ऑफिस जाने में रेडी हूँ। बाहर का मौसम कुछ अलग सा ही लग रहा है भाई। का मौसम देखकर तो लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, बट आई विश कि बारिश हो जाए, क्योंकि देखो सर्दी के मौसम में पंखा चलाना पड़ रहा है, तो इससे बुरा दिन क्या होगा। और कि सर्दी में सर्दी को फील होने के लिए पंखा चलाना पड़ रहा है। कलकत्ता का मौसम कुछ ऐसा ही है, कुछ भरोसा नहीं है मौसम का, बट कोई नहीं, चलते हैं ऑफिस। मौसम कितना बढ़िया है, धूप रही है, सब कुछ नहीं है, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। पता यार सर्दी में कौन सा ह्यूमिडिटी होता है भाई, कहाँ ह्यूमिडिटी होता है इतना, गर्मी लग रहा है। फाइनली प्रोडक्ट आ गया मेरा शत्रुघ्न जी। आपका क्या है मेरा टूल्स है ऑफिस का, सिस्टम्स नहीं पर्सनल। तो फाइनली रिसीव माई पैकेज और सारी एक्सेसरीज आ गई हैं। तो फाइनली सारा एक्सेसरीज आ गया, अब घर जाके करेंगे इसको अनबॉक्स और बनाएंगे कुछ बढ़िया सा ब्लॉग। ओहो, तो फाइनली जिस चीज़ का मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली आ चुका है। जी हाँ, मेरा GoPro का एक्सेसरीज फाइनली आ गया है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि भाई कब आएगा, बट फाइनली आज आ गया है। मुझे तो टेंशन हो रही थी कहीं आज भी ना आए तो फिर तो दिमाग ख़राब हो जाता मेरा, बट थैंक्स टू अमेज़न कि भाई पहुंचा दिया। अब हो सकता है कुछ इश्यू हुई होंगी, हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बट फाइनली आ गया है। तो फटाफट चलते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है फाइनली। मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए और पहले मुझे भाई पैकेज खोलना है, और इसलिए भी मैंने दिन भर कोई व्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि भाई मुझे इसका अनबॉक्सिंग करना था पहले, तभी जाके मुझे कोई व्लॉग बनानी थी। सो इसीलिए तो अब बिना देरी करे फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। भाई ये रहा डब्बा, ये रहा बिल, तो बिल और इसको हटाते हैं। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट। तो ये जो ब्रांड है वो है यंत्रालय का, और ये मुझे करीब अमेज़न से पड़ा है 1100 के आसपास, सॉरी 11 नहीं 1065 का ऐसा कुछ पड़ा है मुझे, और काफ़ी चीप लगा मुझे। और अमेज़न चॉइस में भी दिखा रहा था, और सबसे बड़ी बात कि अमेज़न का जो ट्रस्टेड सप्लायर है एप्रिलियो, वहाँ से मिल रहा था, तो हर चीज़ ओके थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को लिया जाए, तो ये बेस्ट चॉइस लगी मुझे, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। सो अब इसको करते हैं ओपन। ओ भाई साहब, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ओ भाई साहब सॉरी, ये तो सारे निकल ही गए। अब इसको हटाते हैं और इसको रखते हैं यहाँ। अरे भाई ये तो फट गया, तो फट ही गया, आई डोंट नो हाउ, बट यस। तो इन सब को अब एक एक करके निकालते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई डोंट नो व्हाट ये है, ये कुछ अलग सा है, ये पता नहीं क्लिप है, और ये आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ये इसको यहाँ रखता हूँ, ये स्टिक, ये और कुछ स्टिकर्स काइंड ऑफ कुछ है, ये पता नहीं क्या है, एक और स्टिकर, ये इसके साथ एक गया, आई डोंट नो किसके साथ रखना है, चलो इसके साथ एक रखते हैं। इसके बाद चलो ये माउंट है, ये एक और है, ये एक दो है, और ये क्या है भाई, चलो ये इसके साथ जाएगा, ये भी एक और है, एक और है क्या, हाँ एक और है, और क्या है ये, आई थिंक अच्छा ये रिस्ट, हाँ ये रिस्ट माउंट है जिसको हाथ में लगा सकते हैं।
इसको रखते हैं यहाँ। ये क्या है, ये कुछ और क्लिप्स दी गई हैं, इसको रखते हैं साइड में। तो ये एक और माउंट है, ये आई थिंक हेड माउंट है, तो हेड माउंट रखते हैं और साइड में। ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये क्या है, ये तो गाड़ी वगैरह में लगा सकते हैं। तो एक हो गया, आई डोंट नो ये क्या है, ये एक और है, ये हाँ आई डोंट नो क्या है ये, चलो कुछ चिपकाने के लिए है। ये कुछ और माउंट्स और कुछ क्लिप्स हैं, आई डोंट नो इसका यूज़ कहाँ है, बट इसको भी रखते हैं साइड में। ये कह सकते हैं काइंड ऑफ, ये काइंड ऑफ सेल्फी स्टिक जैसा काम करेगा आई थिंक, तो इसको भी रखते हैं साइड में। ओ भाई साहब ये क्या है, ओ अच्छा तो ये है आई थिंक चेस्ट माउंट, इसको चेस्ट पे लगा सकते हैं। तो ये हो गए, और क्या है, तो ये पाउच है जिसमें इसके अंदर सब कुछ डाल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इतने छोटे से पाउच में ये सारा कुछ आएगा। तो यस, और लास्ट ये कुछ क्लिप्स दिए हैं पता नहीं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अराउंड काउंट में 41 होने चाहिए, मैंने गिना नहीं है वैसे, जब मैंने परचेस किया था तो वहाँ पे दिया हुआ था। बट अगर कॉमन चीज़ बात करें तो जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये चेस्ट माउंट जो साइकिलिंग करते समय यूज़ कर सकते हैं, ये रिस्ट माउंट इसका भी शायद यूज़ कर सकते हैं, और ये हेड माउंट इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यह, और बाकी सारी चीज़ें आप अगर बाइकिंग करता हूँ तो उसके लिए, तो वो तो फिलहाल होने सर, तो जो कि साइकिल चला रहे हैं, तो बाकी ये सारी एक्सेसरीज़ हो गई जो हेलमेट वगैरह हो गए या फिर कहीं पे माउंट करने के लिए पता नहीं इसका यूज़ देखेंगे कहाँ कर सकते हैं, ये पता नहीं मुझे ये क्या है, जो भी हो हाँ इसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा से यूज़ कर सकते हैं एज अ सेल्फी स्टिक। तो यहाँ पर लगाने के बाद GoPro को यहाँ पर सेट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेन काम तो हो गया, और ये पता नहीं क्या है, ये भी काइंड ऑफ सेल्फी स्टिक ही है, इसमें कुछ लगा सकते हैं पता नहीं, इसका यूज़ मुझे नहीं पता कहाँ करेंगे, बट अच्छा हाँ इसको एज अ स्टैंड बना के हम लोग ऐसे रख सकते हैं टाइम लैप्स शूट करने के लिए, आई थिंक ये बेटर है, इससे हम लोग टाइम लैप्स शूट कर सकते हैं। और मिला जुला के मुझे लगता है कि इन चीज़ों से ही मेरा काम चल जाएगा, बाकी इन चीज़ों की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, और ख़ास करके ये चीज़, ये तो अगर आपके पास कार वगैरह है या उसके लिए शायद ये यूज़ होगी क्योंकि ये डायरेक्ट शीशे पे चिपक सकता है। तो यस, बट मेन काम जो है वो इससे हमारा हो जाएगा, सो बस आई एम हैप्पी नाउ। अगर मैं प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूँ कि इसका क्वालिटी कैसा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ऐसे देख के नहीं लग रहा कि ये आसानी से टूट सकता है, डेफिनेटली प्लास्टिक का ही है, और इतने सस्ते में आपको इतनी सारी चीज़ें दे रही हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रोडक्ट उतना अप टू द मार्क नहीं है, बट काम चलाने के लिए आई थिंक ये बेस्ट है, और क्वालिटी मुझे अच्छी लगी भाई, मतलब ख़राब नहीं लगी मुझे। तो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी, और मैं सारी चीज़ों को एक जगह मतलब ठीक ठाक कर रहा था। तो ये रहा सेल्फी स्टिक, अब सेल्फी स्टिक में इसको मोनोपॉड बोल सकते, मोनोपॉड, और इसका यूज़ मैं कर सकता हूँ वाइड एंगल शॉट्स के लिए, काइंड ऑफ इस तरीका से GoPro को लगा कर, तो इससे काफ़ी मज़ेदार शॉट्स आएंगी, फ़ोटोज़ वगैरह भी कर सकते हैं या फिर वीडियोज़ तो काफ़ी अच्छी आएंगी, तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ जिसका मैं बार बार सोच रहा था कि भाई वो होनी चाहिए, वो है ये, और इसको मैं करने जा रहा हूँ अभी अपने साइकिल में माउंट, साइकिलिंग करते समय व्लॉग बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो इसको फ़िलहाल अभी करेंगे साइकिल में माउंट, और जितनी भी चीज़ें हैं वो फ़िलहाल मेरा कोई ज़रूरत का नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिल गई हैं। तो अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे चेक करनी है वो है हेड माउंट और चेस्ट माउंट कि वो ठीक है या नहीं और सेट हो रहा है या नहीं ठीक से। सो लेट्स चेक। तो ये है अपना चेस्ट माउंट, तो चेस्ट माउंट को पहन कर देखते हैं। तो ये है हमारा चेस्ट माउंट, और GoPro हमें यहाँ लगानी है, और काफ़ी कंफर्टेबल है, और इलास्टिक भी इसकी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, मतलब इलास्टिक तो बहुत बढ़िया है भाई,
हाँ, अब जो यहाँ पे स्टिचेस लगी हुई है वो खुल जाए तो अलग बात है, बट देखकर लग रहा है और फील हो रहा है ना कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक का वो भी काफ़ी बढ़िया है, देख के नहीं लग रहा कोई चीप क्वालिटी का, तो या मैं कह सकता हूँ कि ये बढ़िया और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा। अगर इसको चाहूँ ज़्यादा टाइट हो तो साइड से ढीला भी कर सकते हैं। सो या तो ये हेड माउंट थोड़ा टाइट है, इसको ढीला करना पड़ेगा, बट ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है और देख के तो लग रहा है भाई बढ़िया है। तो सबसे पहले साइकिल में अभी चलते हैं, इसको माउंट करते हैं, इसको माउंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रही मेरी साइकिल और ये रहा माउंट, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से फ्रंट में कैमरा लगेगा तो काफ़ी अच्छी शॉट्स आएंगी। तो ये फाइनली अच्छे से माउंट लग चुका है और ये रहा, एक्स्ट्रा मुझे लगाना पड़ा यहाँ पे ताकि वो गोप्रो स्ट्रेट दिख सके, तो यहाँ पे गोप्रो लगाएंगे और फिर सामने से शॉट्स आराम से ले पाएंगे। तो फिलहाल मैक्सिमम चीज़ों की ज़रूरत मुझे थी नहीं तो मैंने सबको पैक करके रख दिया है। जो मेनली मुझे ज़रूरत है वो है इस मोनोपॉड की और जो साइकिल में मैंने माउंट लगाया है। वैसे दिन का टाइम होता तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती, और अभी रात हो गई है तो मे भी शायद क्वालिटी उतनी अच्छी ना आया, बट फिर भी टेस्ट करना तो बनता है भाई, तो चलते हैं। नीचे उतारना है सीढ़ी से। ओह भाई साहब, मैं ज़्यादा तो लिफ्ट से जा सकता था, बट लिफ्ट से जाने में थोड़ा सा इश्यू है, तो सीढ़ी काफ़ी बेहतर है उसके हिसाब से। आई डोंट नो कि आवाज़ आ रही होगी या नहीं, बट कोई बात नहीं, साउंड भी टेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं गया हुआ था साइकिल में हवा डलवाने के लिए, बट दुकान हो गई थी बंद। खैर कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि इसी बहाने व्लॉग बनाने का मौका मिल जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा कि शॉर्ट्स कैसे आते हैं। तो आई पहले घर पे जाकर देखता हूँ कि शॉर्ट्स कैसे आए, फिलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने अपने हिसाब से थोड़ी मुझे जैसा लगा सही एंगल पे मैंने फिट किया हुआ है, अब आउटपुट क्या है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मज़ा तो बहुत आ रहा है और अब सोच रहा हूँ कि कल से साइकिल लेकर सुबह निकलना स्टार्ट भी कर दूँ, और नीरज के पास बाइक भी है तो हम दोनों ने एक साथ ही प्लान बनाया था कि भाई चलो चलते हैं, इसी बहाने सुबह थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाएगी और थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे, और वैसे भी सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है, तो बस और कोई रीज़न है नहीं, तो उल्टा मज़ा भी आएगा। सो देखते हैं कल क्या प्लान होता है, फ़िलहाल तक तो उठना है और हाँ और कुछ नहीं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, वर्क हार्ड एंड लिव योर ड्रीम टुडे नॉट टुमारो। बाय बाय।